राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई घर से, और दिनों की तरह आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज़ आज के व्लॉग के अंदर मैं अपनी जॉब, जैसे कि अब स्टार्ट करेंगे जिम, अपने स्टार्ट कर लिया है, एक हफ़्ता हो चुका है, एक हफ़्ता मतलब 5-6 दिन हो चुके हैं। अब नए दिन की शुरुआत करनी है, तो इसे अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट टाइप वीडियोज़ में डालने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। और बाकी अगर धीरे 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 जितना भी मेरे को थोड़ा बहुत बोलते ना अंदर से, क्या बोलते हैं उसको, मेहनत और रंग लाएगी, या फिर खुद बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उस हिसाब से अभी मेरा बॉडी वेट 63% या 63 kg है, और अपन को अब इस गोल रहेगा पिछले अब 1-2 महीने 3 महीने के अंदर 70+ का। और अपने पास कोई फालतू की चीज़ें, मतलब ऐसे ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें अपन यूज़ करते नहीं है, फुल्ली वेजिटेरियन, एग भी नहीं खाता मैं। और बाकी यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके घर की चीज़ों से प्रोटीन, अपना जो भी फैट कार्बोहाइड्रेट, जितना भी मेरे को जितना नॉलेज होता बता रहा हूँ, ठीक है। अपने पहले दिन की शुरुआत जो मैं पहली मील से करता हूँ, मैं बेसिकली आप लोगों को पहले मैंने वीडियो बनाई है इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी एक और वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि पूरा दिन कैसा निकलता है एक जिम वाले बंदे का किचन के अंदर। तो पहले स्टार्ट करते हैं गाइज़। ये कुछ अपनी डाइट मील्स है जिसने मैंने पिछली बार जब 5 या 6 महीने पहले जब मैं जिम जाया करता था, तो ये किचन के अंदर ये मैंने लगा रखी है। जब भी मेरा मन होता था तो यहाँ पे आके डाइट देख लेता था। 5 थी टोटल अपनी पहली। तो अपनी पहली जो डाइट है वो मैं ले चुका, वैसे तो शॉर्ट्स में दिखा दूंगा। पहली डाइट जो मैं ली थी वो ली थी दूध प्लस में ओट्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी डाइट के ऊपर। अब अपनी दूसरी डाइट जो रहेगी सुबह की, वो रहेगी कुछ फ्रूट्स जो मैंने तरबूज काट के रखे हुए हैं, तरबूज काट के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अपनी ये है दूसरी डाइट आज की। तो गाइस बेसिकली अगर पूरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी हमारा एक गोल रहेगा कि हमको हमको हमारी बॉडी वेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम रेगुलर रेगुलर ये चीज़ें करते रहेंगे तो होपफुली हो सकता है कि हमारा बॉडी वेट बढ़ेगा। अगर रेगुलर यही चीज़ चलती रहेगी, अपनी कैलोरीज को मेंटेन करके रखेंगे, तो मेरा बॉडी वेट के हिसाब से मेरे को कम से कम 3000 कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में 120 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 120 ग्राम मेरे को प्रोटीन चाहिए डेली का। तो थोड़ा प्रोटीन का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि मीडियम क्लास वाले ज़्यादा चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग जर्नी ऐसी ही होती है भाई, पूरी ज़िंदगी मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज़ का फालतू शौक नहीं, जिम जाना, जिम से घर आना, अपना काम करना, पढ़ाई करना, सारे काम करते रहना, ठीक है, कोई भी गलत शौक का शौक नहीं है, फालतू चीज़ों का, ये फालतू चीज़ों का शौक नहीं, और नॉन वेजिटेरियन है नहीं, जितना होगा वेजिटेरियन चीज़ों से खाने से अपनी जर्नी शुरुआत करो, मैं तो इतना ही कहूँगा। बाकी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई लोग जितने भी लोग देख रहे हो ना, प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, नीड योर सपोर्ट, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को थर्ड मील पे। अब नेक्स्ट मील जो है थर्ड मील, वो उसमें तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं सिंपल प्लेन रोटी और सब्जी और चावल, पनीर पनीर दही, इन चीज़ों का, आलू, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं खुद, तो मैंने थर्ड इसलिए स्किप कर दी, इसलिए नहीं दिखाया, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है कि वो आप क्या खा सकते हो। मैं रोटी सब्जी प्रेफर करूँगा, अगर किसी का मीडियम क्लास है, अमीर तरह है, तो वो रोटी सब्जी प्रेफर करूँगा। बाकी फोर्थ मील के अंदर मूव करते हैं, तो ये कुछ मेरा जूस का ग्लास है, ग्लास नहीं है, बेसिकली मेरा प्रोटीन का वो है। मेरी जो फोर्थ मील होती है मंडे को और सैटरडे को, वो होती है जूस। बाकी और दिन मेरी जो मील्स होती है वो मैं 5 लेता हूँ, बाकी ये 2 दिन मैं जो मील्स लेता हूँ वो मैं 6 मील्स लेता हूँ। तो ये मेरी 2 दिन ऐड होती है, जिसके अंदर पाइनएप्पल और ऑरेंज ऐड कर सकते हो जूस में। भाई फोर्थ मील के अंदर अगर तुम्हारे पास पैसा है तो रोज़ गर्मियों में सबसे बेस्ट बोलूँगा नारियल पानी पियो, बाकी मैं तो यही अफोर्ड कर सकता हूँ। तो फोर्थ मील हमारी यही है। फिफ्थ मील जो रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी 6-7 बजे के आसपास। तो मिलते हैं 6-7 बजे। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है। लेट है तो भाई फोर्थ मील अपन को घर से नहीं, बाहर से लेनी पड़ रही है। जिम से पहले प्री वर्कआउट खाएं, केले का ये टोपा इसके बाद निकल रहे जिम।
या अपनी फोर्थ में। वर्कआउट हो गया डन। अभी हम बताऊँ कहाँ पे बैठ के लिखा रहे हैं। ये देखो ये साइकिल खड़ी और ये हम पड़े। वाओ कुछ ना कुछ बोलेगा ये। केला खा खा स्ट्रेस लगाओगे क्या? ना ना बॉडी बॉडी बनाएंगे केले खा के। अच्छा केला खा बॉडी बनाओगे? बॉडी क्या बनेगी फिर? केला ही बन जाएगी बॉडी तो यार। देख लो टेंशन मत लो, साथ लेके जाएंगे कचरा। कचरा साथ लेके जाएंगे? नहीं नहीं मैं वो कचरा आप कहीं डालो उससे अपने क्या है। नहीं फिर भी गंदगी होगी। वहाँ डाल आओ के पास, साथ ले जाएंगे टेंशन मत लो। केले खा जाओ साथ लेके जाएंगे। बॉडी बना रहे हो या बॉडी को हटा रहे हो? तो भाई वो लेट्स मूव द नेक्स्ट मील। भाई नहीं लेट्स नेक्स्ट मील जो होगी ना उसके अंदर आपको प्रोटीन फैट सब कुछ मिल जाएगा। मसल बिल्डिंग के लिए एक नंबर चीज़। मैं आप लोग को प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता दूँ कि क्या क्या है। तो भाई दिस इज़ द मील। इसके अंदर मूंग दाल है, सोयाबीन है, पनीर है और चावल है। बेस्ट कॉम्बिनेशन, मिक्स करो डालो खाओ। तो भाई मैं इसको रोटी के साथ भी लेता हूँ। पहले ये खाना है उसके बाद फिर देन उसको रोटी खानी है और सोने से पहले 2 केले। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।